कर्नाटक की एचडी कुमार स्वामी सरकार पर आए संकट के बीच सोमवार को लोकसभा में भी यह मुद्दा उठा। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए भाजपा पर आरोप लगाए। इस दौरान संसद में लोकतंत्र बचाओ के पर्चे लहराए गए। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने किसी दूसरे राजनीतिक दल के सांसद अथवा विधायक के ऊपर दबाव डालकर या प्रलोभन देकर दल बदल करवाने की कोशिश कभी नहीं की है। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी के कहने पर जो त्याग पत्र देने का सिलसिला लगातार चल रहा है, उससे भाजपा का क्या लेना देना है। लोकतंत्र की गरिमा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की गरिमा को बनाए रखने के प्रति हम लोग पूरी तरह से कमिटेड हैं। लेकिन जो भी प्रश्न यहाँ पर हमारे नेता कांग्रेस लोकसभा दल और हमारे टीएमसी के नेताओं के द्वारा जो उठाया गया, तो हमारे डीएमके के बालू साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि त्याग पत्र दिलाने का सिलसिला हम लोगों ने प्रारंभ नहीं किया। कांग्रेस में तो राहुल गांधी जी ने ही यह सिलसिला त्याग पत्र देने का प्रारंभ और उन्होंने स्वयं भी अपने लोगों को कहा है त्याग पत्र देने के लिए। और आपने देखा एक से एक दिग्गज नेता सारे वर्ष लगातार त्याग पत्र देने का काम कर रहे हैं और यह त्याग पत्र देने का सिलसिला तो लगातार यह चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी से उसका क्या लेना देना है अध्यक्ष महोदय, यह बात हमारी समझ में नहीं।